सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आज आप लोगों का हिंदी व्याकरण का दूसरा पार्ट वर्ण विचार पढ़ाऊंगी। आइए देखते हैं वर्ण विचार क्या होता है। बच्चों, आपने पिछली कक्षा में, मतलब आप अभी जिस भी क्लास में हैं, क्लास फर्स्ट से ही गए होंगे, कक्षा प्रथम से ही गए हैं, प्रथम कक्षा से ही आप लोगों को वर्ण के बारे में पढ़ाया जाता है। साधारण रूप से तो बच्चे जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो उनके घर पे उनके मम्मी पापा ऐसे ही हिंदी अगर पढ़ाते हैं तो अ से अनार और क से कबूतर सिखाते हैं, तो इसको हम लोग वर्ण और वर्णमाला के नाम से जानते हैं। तो आपने इसको पढ़ा है पिछली कक्षा में, इसको मैं अच्छे से बता रही हूँ। बच्चों, जब बोलते समय हमारे मुख से अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। हम जब बोलते हैं, कोई भी बात कहते हैं, तो अनेक प्रकार की जो ध्वनियाँ निकलती हैं, इन्हीं ध्वनियों से वर्ण बनता है। इन्हीं ध्वनियों को अक्षर, यानी वह छोटी से छोटी ध्वनि जिनके टुकड़े ना किए जा सके, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों का टुकड़े ना किया जा सके, जिन ध्वनियों के, उन्हें हम वर्ण कहते हैं बच्चों। और वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से करने से, वर्णों को क्रमबद्ध रूप देने को ही वर्णमाला कहा जाता है। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिनके टुकड़े ना किए जा सके, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। ये वर्ण की परिभाषा हो गई। अब आइए देखते हैं वर्ण के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, अभी आज हम स्वर वर्ण के विषय में पढ़ेंगे कि स्वर वर्ण क्या होता है। स्वर वर्ण बच्चों, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की जरूरत ही ना पड़े, उसको एकदम स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग किया जाए, उसे हम वर्ण कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे जब अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋ ए ऐ ओ अ अं अ पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता होती नहीं है, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, इन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण बच्चों कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। जो स्वर वर्ण होते हैं उनके भी प्रकार होते हैं। स्वर ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है। ह्रस्व का नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, ह्रस्व का मतलब होता है कम, छोटा। ह्रस्व स्वर बच्चों, यहाँ पे दिया है ह्रस्व स्वर अ ई उ और री। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय समय नहीं लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर चार होते हैं, अ छोटी ई छोटा उ और री। इसके बाद से होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें ह्रस्व स्वर से दो गुना समय लगता है। जिन वर्णों का उच्चारण हम करते हैं और ह्रस्व के उच्चारण में जितना समय लगा है, उससे दो गुना समय हमें दीर्घ स्वर में लगता है, उसे हम उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर सात होते हैं। कौन कौन से? जो जब हम अ से लेके अह तक पढ़ते हैं, उनमें जो बड़े वाले वर्ण होते हैं हम लोग पढ़ते हैं, जैसे बड़ी ई बड़ा उ ऐसे पढ़ते हैं ना, तो वो उसे हम दीर्घ स्वर के अंतर्गत लाते हैं। जैसे देखिए आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये जो सात वर्ण हैं इन्हें हम दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। अब बच्चों एक स्वर हो प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का मतलब बच्चों, आप उसका प्रयोग बहुत कम देखते होंगे। प्लुत स्वर का प्रयोग ज़्यादातर, सबसे ज़्यादा प्लुत स्वर का प्रयोग हम लोग किसी भी व्यक्ति को बुलाने में करते हैं। जैसे क्या होता है, अगर हम किसी व्यक्ति को राम को बुलाते हैं तो बोलते हैं राम, बोलते हैं, तो उसमें हमें ह्रस्व स्वर के तीन गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर में जितना समय लगा हमें, उसके तीन गुना समय हमें प्लुत स्वर में लगता है। जैसे हम बोलते हैं राम ओम, तो हमारा जो इसका जब हमने यूज़ किया, जब इसका हम लोग प्रयोग किया, तो हमने देखा कि ह्रस्व स्वर में हमें समय नहीं लगा, दीर्घ स्वर में हमें ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगा। और फिर प्लुत स्वर में आते हैं तो प्लुत स्वर में हमें ह्रस्व स्वर से तीन गुना ज़्यादा समय लगता है। और प्लुत स्वर को हमेशा ये तीन, जैसे हिंदी के तीन जैसे लिख कर इसको प्रदर्शित किया जाता है, इसको दिखाया जाता है। बच्चों आपने पढ़ा होगा अ से लेके अह तक, तो आप देखेंगे कि वो 13 वर्ण होते हैं, 13 वर्ण होते हैं। तो
हम कहेंगे कि जब 11 ही कैसे होते हैं, अ से लेके अ तक जो वर्ण होते हैं उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। तो बच्चों उसमें एक होता है अंग, अह, और एक ऐसे चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अंग और अह बच्चों जो होता है उसे हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह, अंग और अह अयोगवाह हैं। यहाँ पे देखिए, अंग का प्रयोग हमेशा एक बिंदी लगा कर दिया जाता है और अह का एक विसर्ग चिन्ह जो होता है ये आपका ये होता है अनुस्वार। अनुस्वार, अंग जो होता है वो अनुस्वार के रूप में जाना जाता है, जिसका प्रयोग हम एक बिंदी देके करते हैं उसको हम अनुस्वार कहते हैं। बच्चों अनुस्वार का प्रयोग, अनुस्वार आप कैसे जानेंगे कि क्या है, ऐसे तो हमने साधारण रूप में आपको बताया कि किसी भी शब्द पे एक बिंदी हम लगाते हैं, जैसे हंस लिखते हैं, कंघा लिखते हैं, तो एक बिंदी हो गई तो वो अनुस्वार हो गया, अंग अह विसर्ग हो गया। लेकिन एक और इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए ये समझेंगे कि जब हम अंग शब्द का प्रयोग अपने जीवन में करते हैं तो जो हवा होती है वो नाक से निकलती है, उसको हम अनुस्वार कहते हैं। फिर अनुनासिक, अनुनासिक जो होता है उसको चंद्रबिंदु भी हम कहते हैं। अनुनासिक या चंद्रबिंदु दोनों एक ही होता है। कभी हमने लिखा चांदनी, उस पर हमने देखा चंदा के जैसे एक छोटा सा चंदा बनता है, उस पर ऊपर बिंदी दी जाती है, उसे हम अनुनासिक कहते हैं। तो आपने अनुनासिक को समझने के लिए ये मात्रा समझ लिया कि ऐसे हम अनुनासिक का मात्रा लगाते हैं। इसको जैसे हमने समझ लिया कि अंग का यूज़ करते समय, अंग का प्रयोग करते समय हवा हमारे नाक से होकर गुजरती है, फिर अनुनासिक का जब हम प्रयोग करेंगे तो हवा हमारे नाक और मुख दोनों तरफ से निकलेगी, उसे हम अनुनासिक कहते हैं। अब आ जाता है विसर्ग। कभी हमने कहा अह, जिस भी वर्ण का उच्चारण करते समय अंत में ह आता है तो उसे विसर्ग कहते हैं, और विसर्ग का चिन्ह है ऐसे दो बिंदी दे दी जाती है, उसे विसर्ग कहा जाता है। बच्चों आज मैंने आप लोगों को आपका दूसरा पार्ट वर्ण विचार पढ़ाया, इसका पहला भाग है। इसमें दूसरे भाग में आपको स्वर वर्ण के दूसरे प्रकार यानी कि व्यंजन वर्ण के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।